खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के बदायूं से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने निकल कर आया है, जहां पर बदायूं के कढ़ेला गांव में रंजिश के चलते दबंगों ने 7 महीने की बच्ची को पैरों के नीचे कुचल कुचल कर मार डाला है। पीड़ित गीता का कहना है कि वो अपने बच्चों के साथ सो रही थी कि रात के 1:30 बजे 5 लोग उसके घर में घुस आए और गीता को लात घूसों से मारना पीटना शुरू कर दिया और पास ही सो रही 7 माह की बच्ची को पैरों से कुचल कुचल कर उसकी जान ले ली। बताया जा रहा है कि पीड़िता गीता उस वक्त अकेली घर में थी। नोएडा का रुख करेंगे। नोएडा की हाईराइज सोसाइटी पारस में लिफ्ट गिरने से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सोसाइटी में टावर 24 की लिफ्ट 8वीं मंजिल से गिरकर आपको बताते चले कि -2 पर पहुंच गई, जिसके कारण 70 साल की बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई। थाना सेक्टर 142 पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि इस पूरे मामले में सोसाइटी वासियों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए देर रात तक हंगामा काटा है। पुलिस ने पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना सेक्टर 137 की पारस टियारा सोसाइटी की बताई जा रही है। लोगों को शांत करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा। थाना 142 पर एक सूचना मिली लगभग 7:15 बजे कि एक महिला जो पारस टियारा सोसाइटी में रहती है, उसके लिफ्ट टूटने से वो घायल हो गई है। उसको फेलिक्स अस्पताल लाया गया है। तत्काल पुलिस बल जो है मौके पहुंचा। जब वहां मौके पहुंचा तो उनके द्वारा बताया गया कि लगभग 6 बजे के आसपास एक घटना हुई है, जिसमें महिला लिफ्ट में जा रही थी और लिफ्ट की टूटी से और उसको तत्काल हॉस्पिटल लाया गया। पुलिस को यह सूचना लगभग 7:15 बजे दी गई और पुलिस जो है जब पहुंची वहां पर तब तक महिला की मृत्यु हो चुकी थी। इसके उपरांत लगभग 7:45 बजे फोन आता है कि पारस टियारा सोसाइटी में कुछ लोग इकट्ठा हो रहे हैं और इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जो वर्तमान AO के अध्यक्ष हैं उनको जो है अपने साथ गाड़ी में बैठा लिया। इस पर कुछ लोग वहां पे आ गए और वहां पे इकट्ठे हो गए। उनका यह कहना था कि जो वर्तमान AO के अध्यक्ष हैं उनकी समस्त कार्यकारिणी यहाँ पे आए और इस्तीफा दें। सोशल मीडिया पर अवैध तमंचे के साथ फोटो वायरल करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस भी बरामद हुआ है। बता दें कि 2 अगस्त को अवैध तमंचे के साथ एक शख्स की फोटो वायरल हुई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए अवैध तमंचा समेत उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।